देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार अब धीरे धीरे थमने लगा है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मार्च को देश में 12,270 केस सामने आए थे। 67 दिन बाद यानी कि 6 मई को ये आंकड़ा 34 गुना बढ़कर 4.14 लाख के पार पहुंच गया। ये वही वक्त था जब देश में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे थे। इसके बाद कोरोना के घटते मामलों ने लोगों और सरकार की राहत की सांस लेने को मौका दिया है। खास बात ये रही है कि जिस रफ्तार से केस बढ़े थे उसी रफ्तार से ये कम भी हो रहे हैं। 6 मई के बाद यानी कि बीते 24 दिन के बाद करें तो रोज मिलने वाले केस 63% तक घटकर 1.53 लाख तक जा गए हैं। कोरोना के घटते मामलों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कई दिनों से रोजाना केसों के आंकड़ों में 10,000 के आसपास की कमी देखी जा रही है। अगर आने वाले 10 दिनों तक भी यही ट्रेंड रहा तो 10 जून के बाद देश में कोरोना 50,000 से भी कम केस आएंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और कम होता जाएगा। कोरोना के मामले लगातार कम जरूर हो रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े ने चिंता बढ़ा रखी है। 1 मार्च को देश में सिर्फ 92 मौतें दर्ज की गई थी, ये आंकड़ा दूसरी लहर में 4500 से की भी पार पहुंच गया। अब भी देश में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3500 से नीचे नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।